देखो पहले तनु होंगे विकार, फिर दग्ध बीज होंगे। तनु करने के लिए क्या है उपाय? तप स्वाध्याय स्वर्पणी धानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। चलो बेटी को दो, क्या नाम बेटा? अर्पिता। अर्पिता जी आप सुनाइए योग दर्शन जो है। दुख दौर मनस्य दुखर दौर मनस संग में जो विक्षेप सहभूव विक्षेप सहभूव विक्षेप बोलते हैं उड़ीसा से हो क्या? हाँ ये उड़ीसा का वो टंग उधर मुड़ता है। हाँ विक्षेप सह हुआ आगे। तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदित उपेक्षिणाम सुख दुख भावना चित्त प्रसादनम। तो और सुनाओ अभ्यास वैराग्य अभ्याम। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितौ यत्नाभ्यास सा तो दीर्घ कालम नैरंतर सत्कार से पिता दृढ़ भूमि ही दृष्टानुसाविक विषय वितृष्ण से वसीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुणर वैतुष्ट्रम। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो दूसरी बहन को दो। चलो जी आप सुनाओ ध्यान है या सद्वृत्तया। ध्यान है सद्वृत्तया क्लेश मूला कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म विभिन्नी सती मूल्य तद्विपाक जातिर्भोग ते हालात परिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्तिर विरोध दुखमय सर्व विवेकिना हेम दुख मनागतम दृष्ट दृष्ट संयोग हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग परवर्गर्थम दृश्यम विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। बहुत अच्छा। चलो अगली बहन को दो। ये तो हो गई सरोज ना, क्या नाम? हाँ सरोज। और रश्मि, रश्मि जी आप सुनाइए जो है यम नियमों का फल क्या है? सूत्र जो है जैसे अहिंसा, अहिंसा का फल क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधि वैरत्य सत्य प्रतिष्ठान क्रिया। ये यमों का फल है, यम का पालन करते हैं कोई लाभ होता है ना? रुक जाओ रुक जाओ। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधि वैरत्य सत्य प्रतिष्ठान। सुने सुनाओ। हाँ सुना दो फिर बताऊंगा। हाँ अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधौ वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठान क्रियाफल सत्यमस्ते प्रतिष्ठान सर्वोत्तम स्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान वीर लाभ अपरिग्रह स्थिर जन्म कथनता संबोध शौचा संग जुगुस्सा पर दर्शन सर्ग सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योग तांच संतोषाद उत्तम सुखलाभ कायंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तप स्वाध्याय दृष्टि देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि स्वपैधानात स्थित सुखमासन प्रयत्न सचिलानंद समापतिभ्याम ततो दंधान विघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास स्वर्गति विक्षेद प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वित्तीय देश काल संख्या परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ तक क्षीयते प्रकाशवर्ण धारणाश्च योग्यता मनस सौ विषय संप्रगित चित्त से स्वरूपानुकारी इंद्रियाण प्रत्याहार तथा परम व्यस्त इंद्रियाण। बस 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 सही सुने। यम नियमों का ही नहीं पूरे योग का ही फल बता दिया। ये सूत्र इतने जल्दी पढ़े तो आपको समझ में आया कुछ? धीरे धीरे पढ़ते हैं अभी। चलो अगली बहन को दो। हाँ आप सुनाओ जो है ये फल बता रहे थे कि भाई मैंने पूछा यम नियमों का फल क्या है। जैसे आप अहिंसा का जैसे आप आसन करते हो, आसन का फल क्या है? आरोग्य मिलता है उससे, शरीर में स्थिरता मिलती है, हेल्थ अच्छी होती है, ब्यूटी भी मिलती है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, सुंदर सुडोल आकर्षक हो जाती है, आसन का फल है। प्राणायाम का भी ऐसे ही फल है तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम। तो ऐसे अहिंसा का पालन करने का क्या फल है? तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। सत्य का क्या फल है? तो अहिंसा का पालन करने से आपसे भी संसार के जो साथ जो आपके सन्निधि में आने वाले हैं वो लोग वैर भाव का त्याग कर देते हैं, आपके साथ एक रूप हो जाते हैं। तो सन्निधौ वैर त्याग, जो आपके सन्निधि में आएगा वो वैर का त्याग कर देगा। मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्यतर प्राणियों के बारे में भी ऐसा होता है। जो हिंसक प्राणी होते हैं वो भी वैर भाव त्याग देते हैं, सिंह आदि भी। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रितम, जब आप सत्य ही बोलते हो, सत्य ही सोचते हो, मनसा वाचा कर्मणा, तो जो आप कहते हो वो जाता है। ये कितना बड़ा फल है कि जो आप कहो वही हो जाए, घटित हो जाए। ये बहुत बड़ा सत्य है। ये सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम अस्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब आप किसी के भी पदार्थ की चोरी आदि का विचार भी नहीं करते तो सारी दुनिया का ऐश्वर्य तुम्हें मिलता है, जैसे मुझे मिला हुआ है। सारी दुनिया का बहुत तरह का ऐश्वर्य हमको मिला हुआ है, हम प्रमाण बैठे हैं आपके सामने।
हम जब बच्चे थे इनकी तरह तब हम पढ़ते थे तो हमको सूत्र समझ में नहीं आता था। अरे हमने कहे तो भाई होता है भाई, जब आप हमने ये हम सच एकदम हृदय की बात बता रहे हैं भाई, जिसको दिया हमने कभी भी किसी की सुई को भी चोरी करने की इच्छा भी नहीं की, चोरी तो की ही नहीं हा? कभी किसी की चोरी, बच्चे होते हैं ना आपस में पेंसिल पुंसिल तो इधर उधर कर ही देते हैं और कुछ नहीं, तो अपने वाले पेन की स्याही खत्म होने की हो तो दूसरे वाला पेन जो एक ही जैसा रंग का हो तो अब ज्यादा स्याही वाला ले लिया और अपने वाला वहां रख दिया, हेरा फेरी भी नहीं की। अस्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सारा संसार के रत्न ऐश्वर्य आपके पास आ जाते हैं। जैसे आप देखो, आप सब ने किसी ने लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख मुझे क्यों दिए, किसी ने करोड़ भी मुझे दान दिए। हिंदुस्तान के ज्ञात इतिहास में जितने कम समय में मुझे लोगों ने दान दिया उतना शायद किसी को मिला होगा। करीब 1000 करोड़ रुपए। अब ये मैया घूम रही है सामने, देखो ये कल मेरे से बोले बाबा जी वो 51 लाख रुपए लेकर के आऊं कि 1 करोड़ रुपए लेके आऊं। मैंने कहा जितना भी है सारा लेके आ जाइयो। विनोद में कहा, कोई ऐसे इसकी लालच नहीं है, दान लेने की भी लालच नहीं होनी चाहिए आप में कि ये आदमी इतना दान दे के जाए। एक आदमी का 30 लाख रुपए का ड्राफ्ट रखा था मेरे उसमें दराज में ही, मुझे पता लगा कि इसकी भावना शुद्ध नहीं है तो वो ड्राफ्ट मैंने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, दूसरे का और रखा हुआ है उसका भी नहीं। ऐसे करोड़ों रुपए के ड्राफ्ट तो मैंने जमा ही नहीं कराया, मैंने देखा इस आदमी की भावना शुद्ध नहीं है अथवा इसके मन में कोई और लालच है, तो मैंने कहा इसका दान नहीं लेना चाहिए। माने दान की भी आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए, दूसरे के धन की तो होनी नहीं चाहिए। फिर आप देते हैं तो आप विवेकपूर्वक दे रहे हैं, हम विवेकपूर्वक ले रहे हैं किसके लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, गोसेवार के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, विद्या की सेवा के लिए, ऋषि कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, भागवत कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। खैर तो ये फल बताया, चलो आप सुनाओ जी। ये तो बताया अष्टांग योग का फल है ना, तो ये इनको कैसे खत्म करेंगे क्लेशों को, क्लेश सुनाओ। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। हाँ आगे, अविद्या क्षेत्र उत्तरदेश पसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण अनित्य असुचि दुखानात्मासु नित्य सुचि सुखात्मक क्षेत्र विद्या दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मतेवास्मिता सुखानुषयी राग दुखानुषयी द्वेष स्वस्वाही विदुषो अपि तथा विनिवेश ते प्रतिवशव हेह सूक्ष्मः ध्यान ह्यस्तद्वृत्तय वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। इसने रोमा ने बहुत अच्छा याद किया, बहुत बहुत आशीर्वाद इस बेटी के लिए। और लास्ट में कौन बच गई, हाँ सरोज जी ये बताओ, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि दा सिद्ध है, 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है ना, जन्म से कुछ महापुरुषों को जन्म से ही सिद्धियां मिली हुई थी, औषधि से, मंत्र से, तप करने से और समाधि लगाने से, 5 कारणों से हमें सिद्धियां मिलती हैं। और इससे आगे सुनाओ, जन्म औषधि मंत्र जया समाधिया सिद्धया जातेन्द्र परिणाम प्रकृति अपुरात निमित्त प्रयोजक प्रकृति नाम वर्ण वेदस्थित तथा क्षेत्रिकवत निर्माण चित्तान्वयस्मित मात्रा प्रवृत्ति वेदे प्रयोजक चित्तम एकम अनेकेशम तत्र ध्यान जन्म नाशम कर्म शुक्ला योगिन त्रियते इतरेशम तदस्थ दीपकान गुण नाम इतर अव्यक्ति भाषणनाम जाति देश काल विवाहिता नाम अभ्यंतरम स्मृति संस्कार रूपत्वात। ये बहुत कम आप सुनते हैं ना इन सूत्रों को, उनको भी बहुत अच्छे से याद किया सरोज बेटी हमारी, ये भी बहुत विदुषी बेटी है, बहुत सेवा करती है, बहुत बहुत आशीर्वाद आप इनको दो, नवीन जी को। जो है सांख्यकारी का सुनाइए आप जी। दुख त्रय अभिघाता, दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सपार्था चेत न एकांत अत्यंतो भावात दृष्टवत अनुश्रविक स ही अविशुद्धि क्षय अतिशयुक्त दृष्टवत अनुश्रविक स ही अविशुद्धि क्षय अतिशयुक्त मूल प्रकृतिर अविकृति महताद्या प्रकृतिर विकृतय सप्त
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः दृष्टम् अनुवारम् आप्तवचनम् 20वां सूत्र है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम् चेतनावदेव लिंगम् गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः पुरुषस्य दर्शनार्थं विमोक्षार्थं तथा प्रदानस्य पंगुअन्वत् ओयोरपि संयोगात् बुद्धीन्द्रियाणि बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शन कानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थान कर्मेन्द्रियाणि आहुः ओव्यात्मकम् अत्र मनः संकल्पम् इन्द्रियञ्च साधनमिवात् गुणपरिणाम विशेषात् नानात्वम् अवस्था विदाश्च बाह्य विदाश्च अन्तःकरण त्रिविधम् अन्तःकरण त्रिविधम् दशा बाह्यम् त्रयस्य विषयाख्यम् सांप्रतिकालम् बाह्यम् और धर्मेण धर्मेण गमनम् ऊर्ध्वम् गमनम् अधस्तात् भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्यात् इष्यते बन्धः वैराग्य वैराग्याद् भक्ति लया संसारो भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्यात् अविगातो विपर्यात तद विपर्यास। तो पूरी सांख्य कार्यक्रम है, ब्रह्मचर्य ने बहुत अच्छे से याद किया, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका, न्याय दर्शन, उपनिषद, योग दर्शन सब बहुत अच्छे से याद किया। कुछ ब्रह्मचारियों ने अलग अलग तरह से जो निपुणता प्राप्त की, एक बार सब ब्रह्मचारियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे श्रद्धे आचार्य विजयपाल प्रचेता जी अब इनको आशीर्वाद देंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय बहन जी एवं अन्य अपने अधिकारीगण और सभी ब्रह्मचारियों उपस्थित महानुभाव, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सुंदर सत्र ये चल रहा है। हमारे यहाँ एक वाक्य आता है, आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी, अर्थात शास्त्रों की जो आवृत्ति है वो बोध से भी विशिष्ट है। अर्थात जब हम कंठस्थ करते हैं तो कंठस्थ करने के साथ जैसा महाराज जी ने बताया कि उनका भाव हमारे यहाँ उतरता है और भाव भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है, इसलिए उनका कंठस्थीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और आचार्य चाणक्य ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, वो कहते हैं जिस वाक्य का अर्थ आपको समझ में नहीं आता हो उसकी बार बार आवृत्ति करते जाओ, आवृत्ति करते जाओ, तो धीरे से अपने आप उसका अर्थ खुल जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और हमारे यहाँ तो माना जाता है कि जो विद्या है वो जितनी कंठस्थ होगी उतनी अपनी है। पुस्तकस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, इसलिए कंठस्थीकरण का बड़ा महत्व है। और पारायण से हमारे चित्त का शोधन भी होता है। मैं छात्रों को एक बात कहा करता हूँ कि जब आप कंठस्थ करते हैं तो कंठस्थीकरण में चित्त को एकाग्र करना पड़ता है और चित्त को एकाग्र करना ही तो योग है। कहते हैं कि प्रेत्य चेह च यत् श्रेयो, श्रेयो मोक्षे च यत् परम, मनः समाधौ तत्सर्वम् आयत्तम सर्वदेहिनाम। ये चरक संहिता का वचन है। अर्थात इस जन्म में और मरने के बाद जितना भी शुभ है, जितना भी कल्याण है, वो सारा कल्याण मनः समाधौ, मन की जो समाधि है, मन की जो एकाग्रता है, उसी के ऊपर निर्भर है। इसलिए छात्रों को जो कंठस्थीकरण का काम दिया जाता है ये एक प्रकार से योग की साधना है। मन को एकाग्र करके योग के माध्यम से हम शास्त्र को आत्मसात करते हैं। और एक बात मैं और कहा करता हूँ छात्रों को प्रायः, कि मन की जो एकाग्रता है उसका रहस्य क्या है। आप प्रायः सुनते हैं कि सरस्वती का वाहन हंस है, इसका एक रहस्य है कि हंस एक निर्मलता का, धवलता का, स्वच्छता का प्रतीक है। तो हमारा मन जितना निर्मल होगा, जितना राग द्वेष और विषयाशक्ति के मलों से रहित तो होगा, उतनी ही सरस्वती दौड़कर हमारे मन के अंदर आके बैठ जाएगी। इसलिए सायणाचार्य कहते हैं कि वंदे चंद्रकलाधराम, अर्थात जो चिदानंद कलाम वाणीम वंदे चंद्रकलाधराम, सरस्वती जो है विद्या का ही रूप है, विद्या को ही हम एक आलंकारिक रूप में सरस्वती देवी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये विद्या क्या है, कहते हैं आत्म चैतन्य की जो कला है वही तो विद्या है, हमारा जो आत्म प्रसूत ज्ञान है वही वाणी के द्वारा प्रकट होता है। तो वो कहते हैं चिदानंद कलाम वाणी वंदे चंद्र कलाधराम नैर्मल्य तारतम्येन बिंबिताम चित्त भित्तिषु। ये सरस्वती किस प्रकार से हमारी चित्त भित्ति में, अर्थात चित्त में प्रवेश करती है, तो वो कहते हैं नैर्मल्य तारतम्येन, हमारे चित्त की निर्मलता की तरतमता न्यूनाधिकता जितनी होगी उतनी ही सरस्वती हमारे पास आएगी। तो छात्रों को मैं प्राय कहा करता हूँ जितना आपका चित्त निर्मल होगा, विषयों का राग द्वेष और जो इस प्रकार की मलिन चित्त की विकृतियाँ हैं उनको दूर करके हम जितना चित्त को निर्मल कर लेंगे
उतना ही हमारे पास जल्दी विद्या आएगी और विद्या आत्मसात हो जाएगी। इसलिए चित्त को एकाग्र करने का रहस्य यह है। आप देखते होंगे जो योग साधना करने वाले हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं और महापुरुष है, विद्वान है, विद्या की साधना करने वाले हैं, उनको उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एकदम निर्मल निश्चल हैं, इसलिए विद्या की प्रतिष्ठा उनमें अधिक से अधिक होती है। तो आपका जो ये शास्त्रों को कंठस्थ करने का उपक्रम चल रहा है, ये बहुत ही उपादेय है, एक प्रकार से योग की साधना है। इसलिए चित्त की जितनी निर्मलता होगी उतना ही शास्त्रों का अधिक अभ्यास कंठस्थीकरण होगा, और चित्त की निर्मलता जो है वो आचरण के ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ योग के तीन बिंदु मुख्य आते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। जितना हमारा शील निर्मल होगा, जितना आचरण निर्मल होगा, उतना मन निर्मल होगा, शांत हो जाएगा, एकाग्र होगा, समाधि लगने लगेगी। और जैसे ही समाधि की एकाग्रता की प्राप्ति होती है तो प्रज्ञा, जो यथार्थ ज्ञान होता है, वो प्राप्त होता है। और यथार्थ ज्ञान के बाद सारे जो राग के बंधन हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप शास्त्र का जो कंठस्थीकरण कर रहे हैं, एक प्रकार से ये चित्त की एकाग्रता की साधना है, योग की साधना है, और ये परम कल्याण का मूल है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शील आचरण जितना पवित्र होगा उतना समाधि, समाधान की अवस्था में रहेगा आपका चित्त, सहज समाधि रहेगी आपकी, और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है, और उससे फिर ये सारे, और स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन और उसका आचरण, ये तो विकारों को तनु करने के लिए, और दग्धबीज अवस्था को, जो योग जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है कि सब दुखों से पार चले गए, अंतिम सत्य जीवन का, ये भी तो प्राप्त होता है ना। तो मैंने कई बार इस बात को कहा कि हम ऐसे ब्रह्मचारी तैयार करना चाहते हैं जिनको व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि, आगे भविष्य में ऐसे भी 50-100 तो तैयार हो ही जाएंगे जिनको 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद और व्याकरण शास्त्र, ये पूरे के पूरे कंठस्थ हों। आप लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, स्वामी जी हमें तो एक दो मंत्र याद करने में ही बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत प्रज्ञावान ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, और इन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को बहुत दिव्यता से तैयार किया जा रहा है। यहां खाली उपयोग के लिए उत्पाद ही नहीं बनाए जा रहे हैं, ये तो एक ये भी एक प्रकल्प है इस पूरे अस्तित्व में, ये भी एक आवश्यकता है। लेकिन जो मूल कार्य है हमारा, वो मनुष्य का निर्माण का कार्य है, और उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक दिव्य व्यक्तित्व युक्त जो है तैयार होता है कोई व्यक्ति, तो उसके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रकाशित होते हैं। महर्षि दयानंद भी तो एक व्यक्ति थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये सब एक व्यक्ति ही तो थे। आज हम भी आपके सामने बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक जो है एक व्यक्ति के रूप में हमारा अस्तित्व है, हमसे भगवान ने करोड़ों लोगों की सेवा करवा दी। तो ऐसे गुरुकुलीय परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा से जो व्यक्तित्व तैयार होंगे, वो उस अपने ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे, और वही दर्शन इन ब्रह्मचारियों के अंदर, इन बेटियों के अंदर हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है इन सबको, और इनको इतने दिव्यता से जिन्होंने तैयार किया, वो इनका इस बच्चों की अभी कई दिनों से तैयारी चल रही थी, तो तैयारी में हमारे आचार्य विजयपाल प्रचेता जी, हमारे छोटे प्रचेता जी, आचार्य बहन साधना जी, सबने बहुत मदद की, और 1.5 वर्ष हो गया करीब इन ब्रह्मचारियों का। इससे पहले न्याय दर्शन चल रहा था, तो करीब दर्शन अध्ययन के इनके 2 वर्ष हो गए करीब। तो 2 वर्षों में बहुत दिव्यता से इन्होंने अपने आप को तैयार किया है, और दर्शन वर्ग का पूरा नेतृत्व डॉक्टर आचार्य सुमन बहन जी कर रही है। एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, और वो भी 2 शब्द सबके सामने यहाँ बोले। ये बहुत विदुषी भी है, और सब तरह का कार्य, संगठन का कार्य हो या विद्या का कार्य हो, दोनों को बहुत दिव्यता के साथ कर रही हैं। बहन को बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी हमारे विद्वगण, विदुषियां, सभी हमारे ब्रह्मचारीगण और हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्यगण, आप सभी देख रहे हैं कि जो ये एक दिव्य प्रकल्प श्रद्धे स्वामी जी महाराज को निमित्त बना करके, ये भागवत प्रकल्प जो चल रहा है,
जिसमें एक तरफ योग का, स्वदेशी का और ये विद्या का। कल परसों एक डॉक्टर आए थे जिनका आपके बीच में लेक्चर भी करवाया था, डॉक्टर ए के मिश्रा जी, आलोक मिश्रा जी, कैंसर के ऊपर जिन्होंने बोला था। तो वो ऑफिस में गए थे, उस समय मैं कक्षा में थी, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया यहाँ ये ब्रह्मचारी उपनिषद दर्शन आदि पढ़ रहे हैं। तो वे बोले हमारे लिए तो अमेजिंग है ये, हम तो सोच भी नहीं सकते। पतंजलि का मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संस्थान। उस संस्थान में प्राचीन व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद का भी अध्ययन अध्यापन होता होगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये जो आपने इस प्रकल्प में अपना, क्योंकि आपने, आप सभी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं, सदस्य का मतलब इस प्रकल्प में अपनी यथा योग्य, यथाशक्ति, सामर्थ्य आपने आहुतियां दी हैं, तन से, मन से, धन से। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जो आपने दान दिया उससे योग के माध्यम से करोड़ों लोग जिनकी आंखों में आंसू थे उनकी आंखों में आज एक सपने हैं, दिव्य जीवन के सपने हैं। जो कभी स्वदेशी का भाषणों में या स्वप्नों में हम कल्पना करते थे उसको धरातल पे उधारा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कार्य होता है इस सृष्टि में वो होता है मानव निर्माण का कार्य, सबसे कठिन कार्य होता है। और वो कार्य यहाँ इतने बृहद स्केल के ऊपर चल रहा है, कम से कम हमारे यहाँ 450 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जिनके जीवन का निर्माण श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में, सानिध्य में, शिक्षा के स्तर पे भी हो रहा है, आत्मिक स्तर पे भी हो रहा है, शारीरिक स्तर पे भी, माने सर्वांगीण विकास जिसको कह सकते हैं। तो ये शास्त्र स्मरण, कोई भी विद्या, उसके चार चरण होते हैं। ज्ञान को, जो ज्ञान अपना पूरा रूप हमारे सामने प्रकट करे, तो उसके चार चरण होते हैं। जब हम गुरुजनों से पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं वो प्रथम चरण होता है, उस समय विद्या का 25% स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। फिर अगला 25% द्वितीय चरण में जब हम अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं दूसरे को, तब 50% उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। और फिर 25% तब होता है जब हम उसके बारे में विशेष चिंतन, मनन, निधिध्यासन करते हैं, तो उस समय 75% उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है उस विद्या का। और जब हम उसको आचरण में ले आते हैं, माने वैसा हमारा जीवन हो जाता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उपनिषद सुन रहे थे, उपनिषदों में बार बार एक वाक्य आता है, यह एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। तो जो ऐसा जानता है, जिसके बारे में आज सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि बात समझ में आने की है, एक उदाहरण दे रहे थे एक वरिष्ठ राजनेता का कि उनको समझ में आ गया अल्प आहार लेना चाहिए। तो समझ तब आता है जब हम विशेष चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उस समय ये 75% विद्या हमारे सामने अपने स्वरूप को प्रकट करती है। और जब हमारा वैसा जीवन हो जाता है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन योगमय हो चुका है, तो योग की जो विद्या थी उसने स्वामी जी महाराज के माध्यम से अपने आप को 100% प्रकट कर दिया, योग प्रकट हो गया स्वामी जी महाराज के माध्यम से 100%। तो ये ब्रह्मचारी है, ये प्रथम चरण में है अभी, और मैं द्वितीय चरण में हूँ, क्योंकि मैं इनके माध्यम से, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। और दो चरण अभी बाकी हैं, उस पे विशेष चिंतन, मनन, अध्ययन। तो ये एक बहुत ही बड़ा, माने ये 2-4, 20-10 वर्ष का प्रकल्प नहीं, बल्कि सदियों सदियों का एक बहुत बड़ा कार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर हो रहा है। माने इतनी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी ये ब्रह्मचारी जो आपके सामने बैठे हैं और जो नीचे भी बैठे हैं, बहुत तप कर रहे हैं ये ब्रह्मचारी। यद्यपि इनको शिक्षा की प्राप्ति में, विद्या प्राप्ति में जो भी आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन आपको पता है बड़ी उम्र में स्मरण करना बहुत कठिन होता है। छोटे बच्चे स्मरण जल्दी करते हैं, समझते कम हैं, लेकिन जो बड़े वरिष्ठ विद्यार्थी होते हैं वो समझ तो ज्यादा लेते हैं, स्मरण करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये जो ब्रह्मचारी बैठे हैं, इनमें कोई MBA किया हुआ है, कोई BTEC किया हुआ है। जैसे ये ब्रह्मचारी हैं भाई पंकज जी, ये BTEC करके आए थे 1.5-2 वर्ष पहले,
और जब ये आए तो इनको संस्कृत का उच्चारण करना भी नहीं आता था, और मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया था एक तरह से। मैंने कहा ब्रह्मचारी आप इसमें नहीं पढ़ पाओगे, आप या तो कोई किसी सेवा में लग जाइए, ये आप छोड़ दीजिए इसको। इन्होंने कहा कि दीदी मेरे को एक चांस दे दीजिए, और आज इनको 2-3 शास्त्र स्मरण है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ अध्ययन किया है इन्होंने। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी नवीन जी MBA करके आए हैं, कोई MA करके आए हैं, कोई सर्विस छोड़ के भी आए हुए हैं, अशोक जी सर्विस छोड़ के आए हैं जैसे। तो ये बड़े ब्रह्मचारी हैं, इतनी उम्र में स्मरण करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसा आचार्य जी ने बताया जिनका चित्त निर्मल होता है तो उनकी जल्दी एकाग्रता भी बन जाती है, और फिर एक ये अपनी ऋषि परंपरा की रक्षा भी ऐसे ही होती है। वेद की शास्त्रों की रक्षा का एक तरीका ये भी है कि उनको हम स्मरण कर लें। जब विदेशी अटैक हुए हमारी वैदिक संस्कृति पर, तो आपने सुना होगा कि तक्षशिला नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उनमें जो बड़े बड़े ग्रंथ थे हमारे उनमें आग लगा दी गई, और वो आग इतनी भीषण थी कि कई दिनों तक जलती रही वो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति इसलिए नहीं मिटी कि हमारे दक्षिण के और कुछ उत्तर के भी कुछ ऐसे वैदिक विद्वानों ने वो सारे शास्त्र स्मरण कर रखे थे। तो ये स्मरण करने की एक बहुत ही जो परंपरा हमारी वैदिक परंपरा में मिलती है, और ये ब्रह्मचारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी पूरी लेकर के आए हैं, तो इनके मन में कोई हीन भावना भी नहीं आएगी। और अभी इनको क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मिला है तो इनका और भी उत्साह वर्धन होगा। अभी तक तो मैं भी क्योंकि संगठन की सेवा में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मुझे दायित्व दिया हुआ है, तो मैं 10 दिन प्रवास पे रहती हूँ, 20 दिन इनके साथ अध्ययन में रहती हूँ, ब्रह्मचारियों के साथ रहती हूँ। इतने में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है ब्रह्मचारियों ने, और मेरा भी सौभाग्य है, मेरा भी इनके साथ रिपीटेशन हो गया शास्त्रों का गुरु जी से पढ़ने के बाद। और बहुत ही आभारी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में बहुत ही विनम्र प्रणाम करना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज हमारा उत्साह वर्धन करते रहते हैं, और आज भी ये इस रूप में रखा तो इससे भी इन ब्रह्मचारियों को भी बहुत उत्साह वर्धन होगा, दूसरे ब्रह्मचारियों का भी उत्साह वर्धन होगा, और इससे आपको भी ये देखने को मिलेगा कि जो भी आपने यहाँ दान दिया कितने रूपों में उसका सदुपयोग हो रहा है, कितने प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं। तो आप सभी को और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। तो ये तो आज आपके सामने थोड़ा सा परिचय दर्शन वर्ग के ब्रह्मचारियों का और बहनों का हुआ। और मैं एक बात अंतिम कह के कि आपका हम अंतिम श्वास तक मैं और हमारे सारे शिष्य कोई आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, हम सब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, आपके विश्वास को बल देंगे, राष्ट्र के विश्वास को बल देंगे। ओम शांति 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 ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।